नमस्कार दोस्तों, आपके और मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और यकीन रखता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथ छाप जाहिल को सुनेंगे तो आप कहेंगे, भाई लड़कों ने मर्दों ने कोई कमी छोड़ी हुई थी जो ये बीच में टपक पड़ी। तो वीडियो देखिएगा, एंजॉय करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अजनीर, आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 में इंडिया पांचवी पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान को 47 रैंक पर रखा गया है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि वहाँ पे फूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं, ठीक है ना। वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं, तो इस लिहाज से तो वो जब उनसे कोई इंफॉर्मेशन या एग्रीगेट निकाला जाता है तो वो बताते हैं कि इंडिया का फूड ज़्यादा अच्छा। और रीज़न यहाँ पर ये तो ये है कि कोई आ जाए तो बेचारे का तो हरासमेंट कर करके उस बेचारे का तो बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बेचारा, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। लेके भी क्या जाता है, ज्यादा हरासमेंट के व्लॉगिंग छोड़ ही जाता है, ठीक है ना। तो अगर कंपेयर किया जाए ना तो वहाँ पे विजिटर जाके बताते भी हैं, यहाँ पे विजिटर इतने नहीं आते जो आके फूड को यानी के टेस्ट वगैरह करें, उनको टेस्ट करें और बताएं कि हाँ यहाँ का भी फूड अच्छा है। रीज़न ये है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान बेशक फेल आए पास आए, पाकिस्तान का अपना टेस्ट है और उनका ठीक है होगा कोई फूड, लेकिन हमने जब जो भी इनके टेस्ट वगैरह की हमें तो सही नहीं लगे। आपने कहाँ पे टेस्ट किया? इधर ही कहीं पे था कोई इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पे इंडियन मतलब आप कह ले शेफ तो नहीं ना होंगे प्रॉपर, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के शेफ होंगे, उन्होंने इंडियन कुजीन जो है वो सीखा होगा प्रॉपर, वो इंडिया से सीख कर तो नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली फिर तो टेस्ट में फर्क लगेगा ही। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से ही है जो मर्जी हो। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि इंडिया की फूड व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इंडिया की क्या फूड व्लॉगिंग देखती हैं, फॉलो करती हैं? मैं देखती हूँ फॉलो, मैंने कभी ना मैंने लाइक किया ना कभी मैंने शेयर किया। देखती हैं तो क्या ही लाइक और शेयर करेगी, ठीक है, और करती भी होगी तो क्या बताएगी, तो देखती तो है ना भाई। देख के मारे इतना जलन हो जाती है, तेरे दिल के अंदर कलेजा जलने लगता है वहाँ इंडिया के फूड व्लॉगिंग को देख कर। सही बात है, देखती है, पसंद है तो देखा जाता है ना, जो चीज़ ज़ाहिर है पसंद होती है तो ही देखी जाती है। पास के बस टाइम पास। तो कैसी है इंडियन फूड व्लॉगिंग? बस सही है, एक ही को वो 10 किलो देसी घी में इतना हलवा बना रहे होते हैं। अच्छा। और हमारी हम ये इधर बचत करके इतना ज्यादा हलवे में इतना सा घी डाल देती है। अच्छा। तो डिफरेंस तो देखे, एक तो हम हेल्दी हैं, उनके देख लो इतनी में मोटी मोटी लड़कियाँ इधर। देसी घी खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तुम वैसे भूखे नंगे हो, बात समझ में आई? साफ साफ बोला कर, सच बोला कर। व्लॉगिंग कारिंग कोई है ही नहीं सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये रैंकिंग आने के बाद हैरत का इजहार कर रहे हैं कि कहा जाता है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन तीनों के फूड में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडिया पांचवें रैंक पर है, बांग्लादेश 43 और पाकिस्तान 47। मेरा एक ही बात है, वो हमेशा चीटिंग करता था और करता रहेगा, और इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो मर्जी आए पाकिस्तान है, आपने रहना पाकिस्तान में, 47 आए, 48 आए, 49 आए, 50 आए, पाकिस्तान पाकिस्तान। ज़िंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद करा देगी? तो भाई मैं तो कभी भी ना जाऊँ। क्यों इतना वो तो नाउज बिल्ला, वो व्लॉगिंग कम तो गंद ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। क्या गंद दिखा? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखे मेरी बात सुने, सफाई निफ्स ईमान है, हमने भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब हमें थोड़ी पता वो इंसान, हम तो कहते कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे। हाँ। वो मुसलमान थोड़ी है, कोई सेंस है इस बात की? सोचने की बात है ना, जब एक मुसलमान के हाथ से खाना ही खाना है तो फिर हम उधर जाके क्यों खाना खाएं, हम घर में बना के चुप। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान मेजॉरिटी में इंडिया में रहते हैं, आपको ये बात पता है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आप प्लीज वापिस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। आप प्लीज वापिस आ जाए, हमारे हाथ जुड़े। लेकिन वो इंडिया में बड़े खुश हैं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें इंडिया में मिल रही है, पाकिस्तान से ज्यादा जॉब्स उनकी अच्छी हैं।
पाकिस्तान आपको फ्री स्कॉलरशिप देगा, आपको फ्री जॉब्स देगा पाकिस्तान। आप किस बिहाफ पर ये अनाउंसमेंट कर रही हैं? मैं इमरान खान ऐसे कर सकता तो मैं नहीं कर सकती। फिक्र ना करें। मगर क्यों? लोग भूल जाएंगे इसको। बस बस फिर हो गया इस मुल्क का। वो तो जॉब्स भी दे रहा था, मैं तो मुफ्त दे रही हूँ। वो तो फिर कह रहा था कि हम थोड़े एजुकेशन पे देंगे, मैं तो मुफ्त दे रही हूँ। आपके पास है कोई मतलब लाइक क्या करती हैं आप जो आप इतनी जॉब्स ऑफर कर रही हैं उन लोगों को? पता है आपको कितने ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनिए, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी। अच्छा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर ज़्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिल के हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी। वो हम इनके इंडिया पर हल्ला बोलेंगे, हमने तो जीत ही जाना है जो मर्जी हो। बहुत अच्छी प्लानिंग है, आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखें। हाँ दोस्तों मेरी बात सुनो, दिल घबराना नहीं है, पाकिस्तान 47 पे है, 48 पे है, पाकिस्तान है। ऐवी कुजीन बना बनू के दिमाग खराब किया हुआ लोगों का, चिल करो।